जाहिर सी बात है, शादी थोड़ी हो रही है, उस गरीब को तो बेचा जा रहा है और जिन अमीर लोगों ने इसे खरीदा है ना, वो आप लोगों के इस खैराती जहेज को अपने यहां रखने को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ये मैंने क्या कर दिया, एक ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजारना जिसके लिए मेरा दिल एक लम्हे को भी नहीं धड़क सकता। मैं माफी नहीं मांग रही, लेकिन आपका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। पता नहीं आप क्यों आ गए लपेट में। चुप करो, मत करो मेरे साथ बात। तैयार हूं मैं हर चीज के लिए, तलाक के लिए भी। अच्छी भली जिंदगी गुजार रहा था राकेश साहब के साथ, अब ये कह रहे हैं आप? मैं समझता था वो तुम पे तोहमत लगाती है, मुझे उसके सच का क्या पता था। खुदा जाने क्या क्या ख्याल दिल में लेके क्या कुछ सोचती थी मेरे बेटे के बारे में। अगर तुम्हारे में कुछ भी शर्म होती तो मेरे सामने की जबान चलाने के बजाय गले में फंदा डालती। कभी तुम्हारा कोई भरम रहता? नहीं कर सकता कभी कभी इंसान जो कुछ सोचता है। खुदकुशी के बगैर भी कोई लोग मरे भी होते हैं। आपको नहीं लगा कभी कि आपके साथ एक लाशा है? तुम्हारी जैसी औरत ने अरुण की नर्तन की है। नहीं पता मैं फिलहाल क्या करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बड़ी इंसानियत से कह रहा हूं कि मेरे सामने मत आओ। अगर तुम उस वक्त वहां ना आते तो मेरा तो खौफ के मारे हार्ट फेल हो जाता। फाइजा, कुछ पे एक एहसान करोगी? ये बात सिर्फ जहारा को बता देना, उस पागल से उसकी शादी जो होने जा रही है, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। उसको नीलाम करने के लिए वो आज ना मेरा इंटरव्यू है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा प्लीज। अरे ताबिश बेटा, माएं जो होती है ना उनके होंठों पे बच्चों के लिए हमेशा दुआएं होती हैं। लेकिन ये जैसे तेरी बीवी है ना, ऐसी औरतों को अपनी आयाशी से फुर्सत मिले तो वो किसी के लिए दुआ करे ना। अच्छा सुन, इधर बैठ मेरे पास, इधर आ। एक बात मेरे जहन में आ रही थी, वैसे तो हमारा दीन भी इस बात के दर्ज देता है कि बगैर तहकीक किए किसी पे तोहमत नहीं लगानी चाहिए। इस मंसूबे में तेरी बीवी का हाथ जरूर है। एक आध बार मैंने उसे गेट पे देखा बगैर दुपट्टे के खड़ी थी, और वहां से वो इबलीस का बच्चा अख्तर भी गुजर रहा था।
मैंने जो डांटा तो दुम दबा के अंदर भागी। अम्मी वो मेरे इंटरव्यू के लिए मुझे देर हो रही है, मैं जाऊं आके बात करता हूं आपसे। चल जा, खैरियत से जा और खैरियत से इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। खुदा हाफिज़। सुनिए आप कहाँ इतनी तेजी में जा रहे हैं? नाश्ता बना लिया मैंने, आज तो मैंने जरा सा घी अंदर लगा के पराठा बना दिया था आपके लिए। कीमा भी बहुत अच्छा मिल गया था बकरे का, कल्लू के यहाँ से हाथ का कुटा हुआ, आपकी पसंद का बनाया है बगैर मसाले के हरी मिर्चों का। दरअसल भाईजान भी आज दफ्तर नहीं गया, घर बैठा हुआ है। उसके बाद रास्का ने भी कहा था नाश्ता करने को, पहले उसकी दिल आजारी कर चुका हूँ, ना करने को नहीं जी चाह रहा था। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ कर देती हूँ ना, अच्छा है, आप और बच्चे भी साथ मिलके खा लेंगे। सुनो, साफ साफ बोल देता हूँ, चाहे तुम्हें बात पसंद आए या नहीं आए, तुम्हारे हाथ की बनी हुई कोई भी चीज खाने या पीने को जी नहीं चाहता। घिना थी वो लड़की तुम्हारे लायक है। गलत किया मैंने जो किपारों की बातों में आ गया, सरसर तोहमत थी और कुछ नहीं। मैं सिराज से बात करूंगा। लेकिन वो लोग तो जहारा की बात तय कर चुके हैं। अरे पैसे खाए हैं भाई उसने, मुंह पे मारूंगा जितने भी पैसे लिए उसने। ये कारोबार, ये पैसा आखिरकार औलाद के लिए ही तो है, वो मैंने अपने साथ कब्र में तो नहीं लेकर जाना। वक्त बड़ों बड़ों की पहचान करवा देता है। बहुत परेशान लग रहे हैं आप। था, लेकिन अब नहीं। मेरी औलाद मेरे साथ है और तुम्हारी माँ। रास्का ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बहुत ख्याल रखा। तुम में आराम की नींद सो, आज मैंने तहिया कर लिया कि तुम्हारी शादी जहां आला से ही हो। कुछ कहोगी नहीं तुम? क्या कहें, भोपाल से जब चले थे तो छोटे मामू से कह दिया था हमने, अब हमारी जिंदगी के सारे फैसलों का हक है उन्हें। लेकिन हमें अब जाके एहसास हुआ कि कुछ लोगों के नसीबों में इतनी नहुसत होती है कि कठिन वक्त गुजरता ही नहीं। उन्होंने फैसला कर दिया तो कर दिया। तुम बहुत गलत करोगी अपने साथ। देखो तुम अपने आप को यूं मजलूमियत के दायरे में कैद मत करो, ऐसा हम लोग खुद ही करते हैं अपने साथ, खुद ही फंसाते हैं अपने आप को इस मजलूमियत में। देखो अगर मुझ जैसी लड़की तुमसे ये बात कह रही है ना, गौर जरूर करना इस बात। मुश्तरी तुम तो कह रही थी बहुत खानदानी लोग हैं ये तो नहायत घटिया किस्म के लोग निकले। भाई मैंने कहा था कि अभी 10 लाख एडवांस दे रही हूँ, 15 लाख शादी से पहले ले लेना, लेकिन मामू ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब दिया है 15 लाख रुपए का चेक मैंने। दुनिया तो है ही दीवानी पैसे के पीछे ताजवर बीबी। और हाँ निकाह यही होगा, मैं ज्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं कर रही, उनसे कह दो कि बहुत मजमाना इकट्ठा करें, 20-25 लोग काफी होंगे। लड़की पसंद है हमें, शरीफ है, खानदानी है, लेकिन एक बात समझा देना,
यहाँ से कदम बाहर नहीं निकालेगी वो। ऐसा ना हो कि ये लोग ये समझें कि 25 लाख वसूल करने के बावजूद भी आने जाने के रास्ते खुले होंगे। नहीं नहीं बीबी, मैंने बताया था ना कि वहाँ ऐसा कोई भी नहीं जो उसे याद करे, मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है। मिल गया आपको आपके 25 लाख का चेक। दफान हो जाओ यहाँ से, वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसमें से आपको कितना मिल रहा है? यकीनन आधे देने का वादा तो किया होगा। क्यों मी? तुम्हें किसने कहा? मैं तो ऐसे ही तुक्का लगा रहा था। मुझे क्या पता था कि 50-50 की बुनियाद पे आप लोगों के दरमियान सौदा तय पा चुका है। या सिर्फ मैं ना कुछ चीज तुम्हारे सर पे दे मारूंगी। अरे अम्मी, क्यों मौला जाट बनने पे तुली हुई है? वैसे मेरा दिल कहता है कि ये शादी नहीं होगी। पहले मैं भी बहुत दुखी था, बहुत ज्यादा अपसेट था। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि ये मेरी खुशफहमी हो, लेकिन अम्मी खुशफहमी भी तो जरूरी होती है जीने के लिए। ये तुम अपनी कच्ची पक्की बातें ना मुझसे मत किया करो। आजकल सिर्फ और सिर्फ आपको अब्बू की बातें अच्छी लग रही होंगी, और उन्हें दुनिया में आपसे अच्छा और कोई नहीं लग रहा होगा। इस मोहब्बत के नाम को तो गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखना चाहिए। इतने बरसों बाद इस मोहब्बत में तुम्हारा जोश है, लेकिन ये जरूर लिखवाइएगा कि इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ 25 लाख की कशिश है। बको, जो बकना है तुम बको। मैंने ठेका नहीं ले रखा कि सारी दुनिया को ये साबित करूं कि मैं अच्छी बीवी और अच्छी माँ हूं। सारी जिंदगी सिसक सिसक के गुजारी है मैंने, तुम और क्या चाहते हो मुझसे? नौकरी लग गई है असल में। तुम भी खाओ ना मिठाई। नहीं, मैं ज्यादा मीठा नहीं खाती, रख दे जब दिल करेगा खा लूंगी। मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक। अरे ये तो मैंने तहज्जुद के वक्त उठ उठ के तेरे लिए दुआएं की हैं अल्लाह से, हाथ उठा उठा के। हे? वैसे भी कहते हैं बेटा, जो रात की इबादत होती है ना, उससे बंदे का और खुदा का रिश्ता मजबूत होता है। बेशक, तुम कुछ कहने के लिए आई थी? हाँ, वो भाई खैरात और दूसरी चीजों के लिए पैसे देकर गए। इरम, ये तुम्हारे भाईजान जो है उनको इतनी तमीज नहीं कि हमारे घर के दरवाजे तक आए, अंदर आके मुझे सलाम कर ले। उन्हें ऑफिस जाना था, ऑफिस के काम के लिए देर हो रही थी। देखा ताबिश बेट कैसा भगा लगा थी, ये तो चाहती ही नहीं थी, ये तो चाहती थी कि नौकरी की मिठाई तू माँ से पहले इसके मुंह में ठूसे। पर देख ले, देख ले कैसे पैसे फेंके गई है, जैसे हम कोई भिखारी है। सुनो, तो तुम जा रही हो? जी। तुम जानती हो ना कि वो एक पागल है। हम इनकार भी तो नहीं कर सकते, हमें मामू की इज्जत का भी पास है। और तुम्हारी अपनी जिंदगी गुजर जाएगी, आप इतनी फिक्र मत कीजिए। अगर कोई वो नॉर्मल शख्स होता ना तो तब भी मैं सफर कर लेता। हो सकता है फायजा ने कहानी बनाई हो। मैं नहीं मानता। बेचे हुए माल की हैसियत से जाओगी तुम, और ये बात याद रखना, जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।
मैं अगर मैंने अपने बाप की बात फोन पे ना सुनी होती तो मैं उन पे कभी भी इतना बड़ा और गंदा इल्जाम ना लगाता। उन्होंने तुम्हें बेचा है 25 लाख रुपए। मैं चाहता हूं कि तुम उनसे बात करो। इतनी बच्ची नहीं हो तुम, सच और झूठ में फर्क जानती हो। ये बात उनसे जरूर करना, और अकेले में करना जब मम्मी ना हो। सलाम अलैकुम भैया। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई सिराज? सलाम अलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम भाई। इसके लिए भी, सिराज के लिए भी चाय लेके आओ। जी अच्छा। नहीं भाभी, जरूरत नहीं है। हैं? सुबह से 5-6 प्याली पी चुका हूँ, तेजाबियत हो गई है। अच्छा चलो, तुम तो यहाँ बैठो ना एक मिनट। भाई सिराज, तुमसे बात करनी है। भाई हम भाईजान के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ आ रहा से क्यों रास्ता? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ये बात नामुमकिन है भैया, अलमास ने बताया नहीं आपको? अब तो जुमेरात को उसका निकाह है जहारा का। वो बताएंगी, बताई ना दें। अरे भाई ये कौन सी खुफिया शादी, इतने छुपते छुपाते आपने की है? अरे भैया बहुत अच्छे शरीफ लोग हैं, जहेज भी डिमांड नहीं कर रहे, और कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? हम आपसे क्या जहेज डिमांड कर रहे हैं? अरे आपकी बात भला मैं कैसे टाल सकता हूँ भैया, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब ये बात मुमकिन नहीं है। सारी जिंदगी इस भाई ने तुम्हारी अच्छी बुरी भली हर किस्म की बात मानी है, चाहे वो जायज थी या ना जायज थी। अब अगर जिंदगी में एक बात का तकाजा तुमसे किया है तो तुम भी कुछ शर्म लिहाज रखो अपने अंदर। देखो अगर उनसे कोई पैसे वगैरह लिए हैं तो मैं लौटा देता हूँ, 2-4 लाख की बात है। अरे नहीं नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे, कोई पैसे वैसे नहीं लिए। पता नहीं कौन डाल देता है आपके कानों में इस तरह की बातें। भैया मुझ पे तो तुम ज्यादा तंज करो मत, किस कदर तुमने सताया है मुझे अपनी शादी से पहले, कि अल्लाह की पनाह। अरे भाई राजा चुप करो, सोच लो सिराज, बड़े भाई की बात तुम टाल रहे हो, ठीक है जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन उस लड़की को भाईजान से बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा। भतीजे की खुशी की तुम्हें परवाह नहीं है, उन लोगों की फिक्र है। भैया अगर आप पहले मुझे बताते ना तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाता। भैया वो खानदानी लोग हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर मैं उनसे ये बात करता हूँ अब। अरे भैया कुछ तो सोचो, सब कुछ मुमकिन है इस दौर में। अरे रहने दो राजा, बचपन से ही जिद्दी बैल है, इसलिए तो इसकी ये हालत है। बच गए आप जहनी मुशक्कत से, मैं बहुत ही सुकून से, तहमुल से और जज्बाती हुए बगैर कह रही हूँ, मुझे आपसे तलाक चाहिए। भाई जहारा का निकाह है आने वाली जुमेरात को, सादगी से कर रहे हैं, कार्ड वगैरह कुछ नहीं छपवाए। हमारे हालात तो तुम जानती ही हो, हवेली में है वही जो पारसियों वाली है ना इलाका, उसमें। हाँ देखी हुई है, कई एकड़ पर फैली हुई। जहारा खुश है? हाँ बहुत खुश है, क्यों ना हो खुश। भाई जरा सोचो, भोपाल के गरीब खानदान की लड़की जिसको खाने के भी लाले थे, अब वो हवेली की बेगम साहिबा बन जाएगी। वैसे भैया और भाभी की बड़ी गाड़ी चल रही है, कल रात भी एक साथ टहल रहे थे, मेरी तो ऐसी अचानक नजर पड़ गई इत्तेफाकन। भाभी भैया को अपने हाथ से पान खिला रही थी, इन्हीं बातों की वजह से तो परेशान नहीं? नहीं नहीं, वो तो मेरी आजकल वैसी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आधे सर का दर्द रहने लगा है, सारी सारी रात उन लोगों की तरह जागती रहती हूँ इसलिए। तो भाई किसी डॉक्टर को दिखाओ, खुदा ना खास्ता 100 मरतबा लगा के कह रही हूँ, कुछ खतरे वाली बात ना हो। मेरा एक डॉक्टर चाहूंगी उसके पास एक आध दिन में दवा लेने। वाकई दुनिया बड़ी जालिम है, लोग बहुत जालिम हैं।
जोया और परमा के पास भी कोई रास्ता नहीं था, हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो भी मर गए तो हम दोनों भी मर जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया के लोग इस काबिल ही नहीं है कि वो दो लवर्स की लव स्टोरी को कामयाब होने दें। लेकिन हम अपनी मोहब्बत को बचा लेंगे काशिफ, खुद को मार कर। खुदा के लिए ये सब रोक ले, आप रोक सकती हैं ना? कुछ नहीं कर सकते हम, जबान दे चुके हैं। आपको आपको अपनी इकलौती औलाद पे तरस नहीं आता? अकलौती औलाद को अपने माँ बाप पे तरस आता है? जो तुम कर रहे हो ना, ये सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में अच्छा लगता है। जानती है, मोहब्बत मिलना और मोहब्बत तारी होना दो अलग अलग चीजें हैं। मोहब्बत मिलना कमाल नहीं है, मोहब्बत तारी होना कमाल है अम्मी। जब तुम ये दो टके की आशकाना गुफ्तगू करते हो ना, तो खुदा की कसम मेरा दिल चाहता है तुम्हारा मुंह तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूं। दो घंटे से नहाने में घुसी हुई है तू? वो बालों में बहुत मट्टी लगी हुई थी तो टाइम लगा निकालने में। देख ले, फिर से मोबाइल पे काले या मैसेज तो नहीं शुरू कर दिए थे तूने बाथरूम बंद करके? नहीं अम्मा, क्या कह रही हो, बिल्कुल नहीं। काशी, अगर मुझे इस दफा सबूत मिला ना, तो अपने हाथ से छुरी फेर दूंगी मैं तेरे गले पे। ठहर जा जरा, चेक तो करा। ये क्या है, बोल बक, क्या पूछ रही हूँ मैं? को सत्यानाश हो तेरा, तुझे तो मैं दफन कर दूंगी। तूने तो आदत बना ली है बेगैरती की। अरे भाई, तुमने क्या आदत बना ली है? देखे ना जरा इसको, दो घंटे से गुसलखाने में घुसी हुई थी, फिर उस मर्दूद ने दे दिया इसको मोबाइल। ना वो इसकी जान छोड़ता है, ना ही उसकी। इसको कहते हैं मकफात अमल, जैसे माँ ने बोया सो बेटी काट रही है। अनवार साहब, ऐसी जहरीली बातें तो ना करें, मैं भी बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ। जब से वो पुरानी बीवी दोबारा अच्छी लगना शुरू हो गई आपको, आपने तो मेरा पत्ता ही साफ कर दिया। तुम्हें तो कम से कम ये बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे मुंह से अच्छे ही नहीं लगती। निकल चुकी है ये हाथ से, तो फिर क्या करें? इसको ना स्कूल से निकलवा ले बस। दिमाग खराब है तुम्हारा, इधर आओ, इधर आओ। नमी का इम्तिहान देना है उसने, सेकेंडरी का बोर्ड का इम्तिहान है, जाहिल रहेगी क्या ये? आगे इसकी शादी करनी है, आजकल जाहिल लड़की से कौन शादी करता है, हैं? और पासी, तुम्हें मैं बता रहा हूं, समझे? मुझे अगली बार शिकायत आई, मैं ऐसा ही बढ़ाई करूंगा, ऐसे ही बढ़ाई करूंगा, सारी जिंदगी याद रखो। नहीं करूंगी अब्बा, आपकी कसम अब नहीं करूंगी। मुझे तो कोई यकीन नहीं आता अब इसके कसमों वादों पे। कसमें और वादे। अम्मी देख लीजिएगा, इस दफा जांच पड़ताल करके रिश्ता कीजिएगा। हमारी सादगी की वजह से ना पिछली दफा भी ना हम लीचड़ लोगों में फंस गए थे। हाँ हाँ, इस दफा बहुत ठोक बजा के अच्छी तरह परख के रिश्ता करूंगी मैं, और देखना मुनीरा का हक मैं इतना लिखवाऊंगी कि लड़का कुछ करने से पहले 100 दफा सोचेगा। अच्छा सुनो, ये क्या कर रही है महारानी साहिबा? आटा गूंध रही थी किचन में खड़ी होकर। रहने दो, आटा क्या गूंध रही होगी, गंद घोल रही होगी। है अभी तक ना आटा गूंदना आया, ना रोटी पकानी आई, किनारे भी कच्चे होते, कभी रोटी जली हुई होती। और तौबा मेरे अल्लाह, साल में इस कदर तेल डालती है, इतना तेल डालती है, मैं कहती हूँ एक दिन इंशाल्लाह हम सब दिल के दौरे से मरेंगे। अम्मी ऐसा क्यों नहीं होता, कोई लड़की इस दुनिया में ऐसी क्यों नहीं है जो सूरत की भी अच्छी हो और सीरत की भी अच्छी हो, सलीका मंद भी हो, अगर खुदा ना खास्ता उसके खामन पे कोई बुरा वक्त आ जाए तो माथे पे बल ना लाए। बस बेटा, इस बार इसी कसौटी पे परखूंगी मैं जब तेरी अगली शादी कराऊंगी। अम्मी आपने तो पक्का पक्का प्लान बना रखा है मेरी दूसरी शादी। हाँ बेटा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या अम्मी है? थैंक्स। कितना गंदा रखते हैं आप अपना कमरा। इस दफा जानबूझ के किया, इस उम्मीद पर कि तुम खुद आओगी और मेरा बिखरा हुआ कमरा समेट दोगी। अपनी जिंदगी को बदलिए कमर, हमारे बाद भी ना हमें लगेगा ना हम में दम था और
ना हमारी कहीं होगी बात। कभी नहीं बदलूंगा, कभी भी नहीं। जिंदगी में हम किसी से कभी ऐसी बेलौस मोहब्बत का हम सोच भी नहीं सकते थे। बहुत गलत समझते रहे हैं हम आपको, बहुत फ्लर्ट, सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करने वाला। इसका मतलब है ठीक ही कहते हैं, जरूरी नहीं जो जैसा दिखता हो वो वैसा ही हो। एक बात कहें आपसे, हम चले भी गए ना तो यकीन करें सिर्फ आपका सोच सोच कर खुश होते रहेंगे। काफी है सारी जिंदगी के लिए आपकी छोटी छोटी बातें। लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज आँखों में एक कहानी है। ये जो आपकी आंखें भीगती है ना हमारे लिए, आपको पता भी नहीं हमारे लिए कितनी अहमियत है इनकी। बस ये याद रखिएगा कि आप याद रहेंगे हमें। इसके अलावा और कोई दावा नहीं कर सकते। इराम, वो हमारे बाथरूम का गटर बंद हो गया, वो खोल देना और हमारी रोटियां ना बनाना। हाँ, आप लोग कहीं जा रहे हैं? नहीं तो तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं कि स्कार्फ पहन के बैग लटका के घर में फिरेंगे? हाँ, वो अम्मी की एक सहेली है नुजत आंटी, उनके घर जा रहे हैं। पहले सोचा तुम्हें साथ ले जाएंगे लेकिन फिर बाद में सोचा तुम वहां बोर होगी तो चलो तुम मत जाओ। और देर हो रही है, आप चलें बाहर। चलें, आ रहे हैं हम लोग। चलो भाई, खाने को देर हो रही है। ताबिश, आप ही मुझे कुछ बता देते। आया था तुम्हें बताने के लिए लेकिन असर और मगरिब के दरमियान वाले वक्त में जो तुम्हारी सोने की घटिया आदत है ना, इस वजह से नहीं बता सका। सो कहा रही थी मैं तो बस लेटी हुई थी। बेटा, जो लोग इस वक्त में सोते हैं ना, ये वक्त अजाब लाता है, बर्बादियां लाता है। अब और क्या बर्बादियां आने वाली? देख लो ये कैसे अपनी जबान से जहर उगलती है हर वक्त। कभी जो इस औरत का मैंने मूड अच्छा देखो। किसके बारे में बात कर रही हैं आप? मेरे बारे में या अपने बारे में? लो भाई, मेरे हाथों तो लिखा है कि मैं जलील हूं तुम्हारी बीवी के हाथों। आओ बच्चो। बस बीबी साहब, आज थोड़ा सा वक्त दे दे मुझे, बस थोड़ा सा वक्त ही चाहिए। मैं मर रही हूँ, तिल तिल करके मर रही हूँ मैं। जी जी, मैं पहुंच जाऊंगी 10 बजे तक, मैं बिल्कुल वहीं आऊंगी। बहुत मेहरबानी। ओहो, क्या है? क्लास। कितनी नफरत करने लगी हो अम्मा तो मुझसे। जब जहरा के खिलाफ साजिश करती थी तो कैसे मुझे अपने साथ मिलाया हुआ था? तुझे कौन सी पसंद थी वो? है तू ही तो एक्साया करती थी मुझे उसके खिलाफ। वो बालिश भर की लड़की पे तो सारे इल्जाम लगा दो, नफरत तो तुम्हें सिर्फ मुझसे ही है। तो ये नफरत और मोहब्बत के अलावा कोई तीसरा लफ्ज आता है तुझे? है? तुझे क्या हो गया? तुम जितना भी बुरा कर लो, रहोगी तो मेरी अम्मा ही ना। अब झूठ नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन अब मैंने तुझे देखा ना ये मोहब्बत मोहब्बत के चक्कर में, तो फिर देखना। हाँ हाँ, पता है, तुम मेरा गला घोट दोगी, मुझे जान से मार दोगी, मेरे गले भी छुरी भेदोगी। तुम्हारे सारे जुमले याद हो गए मुझे अम्मा। अच्छा चला, पीछे हट, सारा बोझ डाल दिया मुझ पर। यानी आप नहीं मानते कि आपकी बहन घर का सारा जेवर लेकर भाग गई थी? बिल्कुल नहीं, जेवर तुमने गायब किया। हम औरतें क्यों नहीं समझते आप जैसे मर्दों की साथ खुदा भी उसकी हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत नहीं बदलता। इस बात का पूरा पूरा इतलाक होता है मुझ जैसी घामड़ और बेवकूफ पर।
सोची समझी चाल थी। 3 लाख रुपए हाथ आए, बहल लाहौर से कराची, दोबारा वही सब कुछ। अच्छा अब ज्यादा एहसान मत जताओ तुम, तुम्हारे घर में जो जेवर पड़ा था उसमें से 4-5 लाख का जेवर हमारा भी था। हैरान हूं मैं तुम्हारी होशियारी चालाकी, हैरान हूं मैं कसम से कि यहां उस बिचारी ने इस घर से कदम बाहर रखा और तुमने इल्जाम लगा दिया कि भाई मेरा जेवर चोरी हो गया, मेरा जेवर चोरी हो गया। कितनी तेज हो, बड़ा समझाया मुझे, बड़ा समझाया, बड़ा कहा कि ताबिश मियां दुकानदारों में शादी मत कर लेना, लेकिन मेरे कूट दिमाग में ये बात आई नहीं। उन्होंने कहा कि अगर दुकानदारों में शादी हो गई तो बातों में ऐसा उलझाएंगे कि किसी काम के नहीं रहोगे। नहीं रहा ये तो मेरे मेरे रब, मेरे अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी बहन की इज्जत पे कोई आंच नहीं आई, और आ भी कैसे सकती थी, किसी की हिम्मत है। वो जो लड़का था उसने वो स्टेशन से उसका बैग चुराया और भाग गया, अकेली गई थाने, फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज कराई। नमाजें पढ़ते ना, रात में उठ के तहज्जुद भी पढ़ते हैं, आपकी अम्मी को भी अपनी इबादतों पे बहुत फख्र है, मगर झूठ सब निकल लेता है और आप लोगों को भी झूठ ने निगल लिया है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ क्या बकवास कर रही हो? दिल भर गया है मेरा शादी से, मुख्तसर से जवाब है मेरे पास। कभी कभी बहुत मुश्किल सवालात के जवाब बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बच गए आप जहनी मुशक्कत से, मैं बहुत ही सुकून से, तहमुल से और जज्बाती हुए बगैर कह रही हूं, मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैंने मेकअप का सामान छोड़ दिया है, अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो कर लीजिएगा। अब ताबिज से तो मैं नहीं कह सकती ना, क्या पता वो भी इस्तेमाल करता हो। आ गया फाइनल का दिन काशी, क्या फायदा इसी घटिया और गंदी दुनिया में रहने का जिसमें मोहब्बत की कोई कदर ही ना हो। कितना अच्छा किया जोया और परमा ने, और कितना अच्छा करेंगे मैं और तुम। बस जल्दी आ जाओ तुम, अम्मा को आते आते 2 घंटे लग जाएंगे। तुम फिक्र मत करो पलवेशा, बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास आऊंगा। अच्छा सुनो, तुम अपनी सारी करीबी दोस्तों के लिए ना एक मैसेज तैयार कर लो, जब फाइनल शुरू होगा तो हम उससे कुछ सेकंड पहले सेंड कर देंगे, ठीक है? जी, जो आपका हुक्म। ए, ये संदूक में क्या भर के लेके जा रही हो? आपके यहाँ का कुछ नहीं रखा मैंने, इत्मीनान रखे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो कौन से घराने जहाँ की लड़कियां खुद अपने मुंह से अपने शौहर से तलाक मांगती हैं। तो क्या चाहती हैं, कि औरत सुकून का सांस भी ना ले सके, या तो वो खुदकुशी कर ले या गुस्से में उसे जला दिया जाए। देखो इरम, ताबिश जैसा अच्छा लड़का और ऐसा अच्छा घराना तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम बड़ा पछताओगी। वैसे लतीफे बहुत अच्छे सुनाती हैं आप। तुम तो इंतहाई बदतमीज और बदतहजीब लड़की हो। पहले नहीं थी लेकिन अब हो गई, और अगर कुछ अरसे इधर ही रहूंगी ना तो काटने भी लग जाऊंगी। तो एक बात मेरी भी सुन लो तुम, तुम्हारे आने के बाद भी हमें कोई सुकून नहीं मिला इस घर में, नहुसत ने राज किया है। तो एक काम करें ना आप, अपने पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करवाएं, कुरान खानी करवाएं, ताकि नहुसतों के असरात खत्म हो जाएं, और अगर तब भी खत्म ना हो तो आप खुद यहां से चली जाएं। खैर मैंने मेकअप का सामान छोड़ दिया है, अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो कर लीजिएगा। अब ताबिज से तो मैं नहीं कह सकती ना, क्या पता वो भी इस्तेमाल करता हो, मैं तो पूरा लड़ाका औरत। ताबिश, ताबिश जरा इधर आना, इसका तो दिमाग बिल्कुल ही पटरी से उतर गया है। पटरी से याद आया, मुनीरा को ट्रेन के पासेस करा दे, लगता है उसे भागने का बहुत शौक है, आगे भी भागेगी वो। तुम्हारे मुंह में खाक, चलाना चाहती तो चलाती रहती इस रिश्ते, लेकिन जो बात सेकंडों में समझ आ जाए वो बरसों में समझ नहीं आती।
जा रही हूँ। इंशाल्लाह ये हमारी आखिरी मुलाकात है। खुदा हाफिज़। एक दफा और सोच लो। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी मिन्नतें करते हुए तुम्हारे घर आके तुम्हें मनाऊंगा कि चलो मेरे साथ वापस चलो तो तुम्हारी भूल है, मैं नहीं आऊंगा। इस एहसान के बदले मैंने अपना हक महर माफ किया तुमको। खुदा गरीब है तो उसका ये मतलब नहीं कि बिक जाए। हमारी माँ ने ना हमें सेहत सेहत कर रखा था, आज अगर वो जिंदा होती ना तो खुदा की कसम ये सब देखकर मर जाती।